राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड हॉस्पिटल में शनिवार देर रात आग लग गई। हादसे में 6 नवजात की मौत हो गई, 5 का रेस्क्यू किया गया। 3 मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर था, इसमें कुल 12 बच्चे थे। दिल्ली फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। हालांकि शुरुआती जांच में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। बेबी केयर सेंटर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम चल रहा था। अधिकारी ने बताया कि उन्हें रात 11:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर दमकल की कुल 16 गाड़ियां पहुंची, इनमें से एक बच्चे की मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। आग की लपटें बिल्डिंग के 3 फ्लोर पर फैली थी। बेबी केयर सेंटर में धुआं भरने के कारण यहां भर्ती 11 बच्चों की हालत गंभीर हो गई। दमकल की टीम और स्थानीय लोगों ने लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़कर खिड़की से अन्य 11 बच्चों को बाहर निकाला। हालांकि तब तक धुएं में दम घुटने से 6 बच्चों की मौत हो गई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।